हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई ओ यू एन जी एस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यार यंग ने ना पहली बार ये प्रूव करके बिल्कुल बता दिया कि लाइट एक वेव है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसने फिनोमेनल लिया कि जब भी वेव होती है और वेव मिक्स होती है तो वो दो तरह से मिक्स हो सकती है। क्या? एक तो कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि बताया ना पिछली बार, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, इंटेंसिटी और ज्यादा मिलेगी। देखा था हमने आई मैक्स अंडर रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। और अगर क्रेस्ट से ट्रफ मिल गया तो आई मिनिमम हम देखा था कि कम हो जाएगी इंटेंसिटी। और अगर इन दोनों की इंटेंसिटी सेम हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमने देखा था कि 4i नॉट थी। और अगर इंटेंसिटी सेम हो और मिनिमम इंटेंसिटी हमने देखा था कितनी हो, जीरो हो, यानी कि लाइट प्लस लाइट जो डार्कनेस मैंने बताया था वो यहां पर देखने को मिलता है। तो यंग ने क्या किया, पहली बात जो सोर्सेज होने चाहिए दोनों कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे तो हमें ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलता है। ठीक है, कोरेंट सोर्स मैंने बताया था ना जो सेम एक कांस्टेंट फेज मेंटेन करके रखें। और ये भी मैंने बताया था साथ साथ कि कोई भी दो लाइट के सोर्स, डिफरेंट सोर्सेज, दे कैन नॉट बी कोरेंट। तो उसके लिए क्या तरीका यंग ने निकाला कि उसने क्या किया, एक सोर्स लिया। ठीक है, यहां पे एक सोर्स ऐसे रख दिया, दिस इज अ सोर्स। ओके, अब क्या हुआ कि एक उसने कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड पे दो स्लिट बनाई, है ना, मतलब इस तरह से ऐसे कार्डबोर्ड है, होल नहीं बनाया, ऐसे स्लिट नहीं, ब्लेड से ऐसे काट दिया। ठीक है, लाइक दिस, ये ब्लेड से ऐसे काट दिया, दो स्लिट बनाई। ठीक है, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं तो हमें ऐसा होल सा दिखेगा, वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, बहुत छोटी डिस्टेंस पे और छोटी छोटी स्लिट्स, ये डिस्टेंस बहुत कम थी, स्मॉल डी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। तो अब देखो हाइगेंस प्रिंसिपल यहां काम करेगा, क्या काम करेगा, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू फ्रेश सोर्स। तो क्या अभी दो सोर्स नहीं बन गए और क्या इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, यार एक ही सोर्स के तो दो सोर्स बने, तो अब ये दोनों कैसे सोर्स हो गए, कोहेरेंट सोर्स हो गए। बस ये उसने किया, एक ही सोर्स को दो सोर्स में बांट दिया। देखो यहां से वेव फ्रंट निकला सपोज करो, ठीक है, इस तरह से यहां पर पहुंचा, तो ये वेव फ्रंट पर दो पॉइंट मान लो, और ये दोनों पॉइंट किस तरह से काम करेंगे, दो नए सोर्स की तरह काम करेंगे। तो यहां से नए वेवलेट्स निकलेंगे, यहां से भी नए वेवलेट्स निकलेंगे, ऐसे तो होगा। और ये क्या होंगे, ये मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, हर तरह से, कंस्ट्रक्टिवली भी मिलेंगे और डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे। तो जहां कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे वहां पर क्या बनेंगे, ब्राइट, है ना, वहां पर क्या देखेगा हमें, ब्राइट फ्रिंज, मतलब लाइट प्लस लाइट मोर लाइट, तो आई बराबर 4i नॉट, वहां पर बहुत ब्राइटनेस दिखेगी। और उसने उसको नाम दिया ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, बात समझे। और जहां पर क्रेस्ट से ट्रफ मिल जाएगा वहां पर क्या बन जाएगा, डार्क। फिर से जहां पर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा फिर से क्या बनेगा, ब्राइट। तो इस तरह से हमें ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे ऑपरेट होते हैं। तो लाइट प्लस लाइट कॉजेस डार्कनेस ऑल्सो, ये उसने पहली बार यंग ने प्रूव करके बताया। तो ये कहानी समझ में, एक्सपेरिमेंट क्या था और किस तरह से काम करता है, एक सोर्स है वहां से ऐसे वेव फ्रंट निकला, ठीक है, अब यहां पर दो स्लिट मिली तो क्या है, ये दो नए सोर्स की तरह काम करेंगे, तो यहां से नए वेवलेट निकलेंगे और ये आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। और ये इंटरफेरेंस किस तरह से होगा, दोनों तरह से होगा, कंस्ट्रक्टिवली जहां होगा वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, इनके चमकता हुआ सा हमें दिखेगा, मैं स्लाइड में दिखाऊंगा ना कैसे दिखता है। ओके, और जहां पर ये डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे वहां पर डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो लाइट प्लस लाइट कॉजेस डार्कनेस ऑल्सो, ठीक है, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है, द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमें अलग अलग नहीं चाहिए। ठीक है, फिर वो मिल नहीं पाएंगे ना, लैम्डा अगर अलग अलग हुआ तो कैसे मिलेंगे, हाँ, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, एक ही सोर्स की, ठीक है, एक ही कलर की। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बहुत सारे कलर की होंगी तो थोड़ा गड़बड़, कलर फ्रिंजेस मिल सकती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, है ना, व्हाइट लाइट होगी तो क्या होगा। ओके, तो कुछ अजम्पशन पहले याद रखना कि जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट, दैट इज इन मिलीमीटर्स, 1.15 मिलीमीटर लाइक दिस। ओके, एंड देन विड्थ ऑफ स्लिट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज इन माइक्रोमीटर्स, जो विड्थ है ना स्लिट की, ये जो स्लिट है दैट इज इन माइक्रोमीटर्स, ब्लेड से ऐसे काट दिया, सिंपल एक कट लगा दिया, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये कुछ अजम्पशन याद रखने हैं। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, क्या था, जिसने पहली बार प्रूव किया कि लाइट एक वेव होती है। कैसे पता लगा लाइट एक वेव होती है, अगर लाइट पार्टिकल्स होती तो क्या होता, ऐसे पार्टिकल जाते सीधे सीधे और यहां पर इकट्ठे हो जाते, तो यहां पर लाइट देखने को मिलती, यही तो होता,
भाई दो टॉर्च अगर तुम डालोगे तो यहाँ पर लाइट देखने को मिलती, यहाँ पर लाइट देखने को मिलती, बट हुआ क्या, लाइट यहाँ पूरे में फैल गई, पूरे स्क्रीन, ठीक है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो ये कब हो सकता है, जब लाइट वेव हो, अगर पार्टिकल होगी तो पार्टिकल ऐसे पूरे में थोड़ी फैल जाएंगे, वेव ही तो फैल सकती है ना, वेव ही का तो वेव का ही तो नेचर है पूरे में फैलना, ठीक है। तो ये इसने पहली बार जो हाइगेंस की थ्योरी थी, वेव थ्योरी, उसको एक्सपेरिमेंटली, सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके होता है, ठीक है। इसमें हम ब्राइट फिनिश कहाँ बनेगी ये हम कैलकुलेट करेंगे, और इसकी कितनी विड्थ होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, ये सब हम कैलकुलेशन करने वाले पूछा जाता है। ओके, तो ये एक सोर्स हो गया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, दिस इज से एस, और यहां से थोड़ी दूर पर दो स्लिट हमने बनाई से, और ये नए सोर्स की तरह काम करेगा, तो इसको एस वन एस टू कह सकते हैं, ठीक है। और यहां बहुत दूर पर एक स्क्रीन रखी जाती है, से दिस इज एट डिस्टेंस कैपिटल डी, ओके, दिस इज द डिस्टेंस स्मॉल डी बिटवीन द स्लिट्स, क्लियर है, विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है, कि डी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी, ओके, सही है। तो ये सीधे सीधे पहुंच जाओ, तो स्क्रीन का सेंटर हो गया ओ, ठीक है। अब देखो लाइट यहां से गई ऐसे कहीं मिली होगी, तो मान लो एक रे ऐसे, मान लो इस तरह से, दिस इज अ रे ऑफ लाइट, बहुत सारी जगह मिली होगी, तो हमें कोई वेरिएबल पॉइंट ले रहे हैं जहां पर ये दोनों जाकर के मिलती हैं, दिस इज पी, पी इज वेरिएबल पॉइंट, हो सकता है कि पी यहां हो, यहां हो, यहां हो, यही हमें कैलकुलेट करना है कि कहां मिली और किस तरह से मिली, किस तरह से मतलब कंस्ट्रक्टिवली मिली या डिस्ट्रक्टिवली मिली, ठीक है। इंटरफेरेंस वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, इससे समझ में आएगा बिना उसके, ओके। तो दिस इज अ रे एस वन पी, दिस इज अनदर रे एस टू पी, मान लो कि y डिस्टेंस पर मिलती है सेंटर से, सो दिस डिस्टेंस इज y, ठीक है। ये कहां पर मिली, y डिस्टेंस पर मिली सेंटर से, कैसे मिली वो सब हम चेक करेंगे, अभी मिली बस, कंस्ट्रक्टिवली मिली डिस्ट्रक्टिवली मिली वो सब हम चेक करेंगे, ओके, दिस डिस्टेंस इज d, सपोज करो, चलो पहले इसको देखते हैं, और ये मैंने ऐसी दो लाइन खींची, सपोज करो कि एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ऐसा क्यों सर, यार ये दोनों जो डिस्टेंस है मैंने पहले बताया बहुत छोटी डिस्टेंस, यहाँ पर देखो लाइक दिस वेरी स्मॉल, और जो स्क्रीन रखी हुई है वो बहुत दूर रखी हुई है, वहां पर मान लो कि यहाँ पर ऐसा पी पॉइंट है, तो अगर मैं यहां से दो लाइनें निकालूं पी पॉइंट तक, तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल नहीं आ रही क्या, जैसे देखो आर दे अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, यस है ना, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटी डिस्टेंस है 0.15 mm टाइप की, एंड दैट पी इज वेरी वेरी फार, तो क्या दोनों लाइन लगभग पैरेलल हो सकती है, यस, तो अगर ये एंगल थीटा तो एंगल भी कितना थीटा, क्लियर है। और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, इसको मैंने कह दिया एन, दिस इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हुआ क्या, इज दिस एंगल ऑल्सो थीटा, जल्दी बताओ, है बिल्कुल, देखो ये पूरा 90, दिस इज 90, और ये इतना छोटा सा थीटा, तो ये अंदर का कितना बचा बोलो, 90 माइनस थीटा, है ना, थोड़ी ज्योमेट्री, 90 माइनस थीटा ये बचा, 90 माइनस थीटा प्लस 90, इसको x मान लो, प्लस x इज इक्वल टू 180, 90 90 180, तो x बराबर कितना हो गया थीटा, बात समझे कि नहीं, सिंपल सी ये ज्योमेट्री थी, तो x भी कितना हो गया थीटा, ये बात समझ में, पैरेलल लाइन क्यों है, ये थीटा एंगल दोनों मैंने कैसे मान लिए ये भी तुम समझ गए होंगे, ओके, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, क्या ये पाथ डिफरेंस है क्या एस टू एन, देखो एस टू एन बराबर डेल्टा एक्स बराबर पाथ डिफरेंस है कि नहीं, यार दोनों रेज के या दोनों वेव के रास्ते में कितना डिफरेंस है, इतना, यहां से तो, यहां से अगर देखो तो दोनों सेम डिस्टेंस चली है लगभग, है ना, तो इन दोनों के रास्ते में, दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस है, दिस मच, तो क्या एस टू एन पाथ डिफरेंस है कि नहीं, बोलो इन दोनों वेव्स के एस वन पी और एस टू पी के पाथ में कितना डिफरेंस है, दिस वन एस टू एन एस टू पी माइनस एस वन पी, है ना, तो एस टू एन को हम क्या लिख सकते हैं, एस टू पी माइनस एस वन पी, लिख सकते हैं कि नहीं, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ये इतनी ज्यादा चली, ये इतनी चली, तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों के रास्ते में, इतना सा तो डिफरेंस हुआ ना, सिंपल सी बात चल रही है, तो यही पाथ डिफरेंस पहले में कैलकुलेट करना है, ओके, फिर हम देखेंगे कि वाई की वैल्यू क्या है, ओके, चलो, तो सबसे पहले देखो कि अगर ये थीटा है और मैं एक लाइन और ऐसे मिला दूं, एक लाइन इस तरह से, ये सिंपल एक लाइन है ना, तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, ठीक है, साई लाइन पैरेलल मानी जा सकती है, मैंने बताया कि डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो इस तीनों दो चारों जो भी लाइनें खींचोगे, दिस ऑल कैन बी कंसिडर्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे बीच में से सेंटर से ना
ये कोई रे नहीं है ना, रे निकलेगी यहाँ से सिर्फ, ये कोई एक्स, मैंने एक सिंपल लाइन खींची, ठीक है। तो क्या ये एंगल भी थीटा मान सकते हैं? बिल्कुल, ये तीनों लाइन पैरेलल मान सकते हैं, क्लियर है ना। चाहो तो उसका सेपरेट डायग्राम भी बना सकते हो, इस तरह से एस वन और ये एस टू और ये इस तरह से एक दो और ये तीन, इस तरह से, ठीक है। तो दिस, ये पी पे जाके मिलती है सारी, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज थीटा, है ना, ये मैंने बीच में जो लाइन बनाई है, बात समझ आई है तो ओके। तो यहां से बताओ टेन थीटा कितना हुआ, टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इनके वाई अपॉन डी, और क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटी है दोनों के बीच की, तो एंगल भी बहुत छोटा होगा, तो टेन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज थीटा। तो थीटा कितना हो गया यहां से, वाई अपॉन डी, ओके। यहां से हमें एस टू एन निकालना, तो क्या लगाएंगे, देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमें हाइपोटेन्यूस पता है, तो साइन लगा देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि एस टू एन विच इज पाथ डिफरेंस अपॉन एस वन एस टू, फिर से साइन थीटा कैन बी टेकन अप्रोक्सीमेटली एज थीटा, एंड एस टू एन इज डेल्टा एक्स, वेयर इज द हेल डेल्टा एक्स, ये रहा डेल्टा एक्स द पाथ डिफरेंस अपॉन एस वन एस टू विच इज स्मॉल डी, है ना। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं वाई अपॉन डी, तो वाई अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, गॉट इट। तो ये रिलेशन भी आप याद रखना, तो y कितना हो गया, y इज d इंटू डेल्टा x अपॉन स्मॉल d, y इज इक्वल टू d इंटू डेल्टा x अपॉन स्मॉल d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस, ओके। यहां तक नोट करो, फिर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्टेंस कितनी होगी y, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्टेंस y कितनी होने वाली है। तो अब देखते हैं हम फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंज बनेगी ना, चमकती हुई, आई इज इक्वल टू फोर आई नॉट, याद आ गया ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो ब्राइट फ्रिंजेस कहां कहां बनेगी, है ना, वाई के डिस्टेंस देखते हैं कहां बनेगी, ओके। तो वाई कितना आया था, डी इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। तो यार ब्राइट फ्रिंज के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा, याद आया क्या कल वाला लेक्चर, ओके। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर पुट कर दो, वाई इज इक्वल टू डी या एन डी लैम्डा, ऐसे लिख दो, है ना, डेल्टा एक्स वैल्यू अपॉन स्मॉल डी। तो यहां इस इतनी इतनी डिस्टेंस पर क्या बनेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। तो सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा, तो n की वैल्यू हमें पता है 0 1 2 3 है, तो पुट n इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया 0, y इज इक्वल टू 0 मींस एट द सेंटर। तो सबसे पहले जो ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है दैट इज गोइंग टू बी एट सेंटर, तो सेंटर पे ऐसी ब्राइट फ्रिंज बनेगी चमकती हुई। और अगर पार्टिकल नेचर से इसको समझना चाहें तो हम नहीं समझ सकते, है ना, पार्टिकल अगर हम यहां से छोड़ते, मान लो कि लाइट पार्टिकल होती, तो पार्टिकल यहां से जाते ऐसे, तो यहां इकट्ठे होते हैं, यहां इकट्ठे होते हैं, बीच में थोड़ी ना इकट्ठे होते हैं। लेकिन वेव क्या है, वेव नेचर में बिल्कुल उल्टा हो गया, वेव जहां कुछ नहीं था, जहां पार्टिकल ही पार्टिकल पहुंच ही नहीं सकते थे, वहां सबसे ज्यादा इकट्ठी हो गई एट द सेंटर, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसने बिल्कुल प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है, ठीक है, बात समझ में आई। तो सेंटर पे क्या बनेगी ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमम या मैक्सिमम, सेंटर पे बनती है। तो सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, सेंटर पे, गॉट इट। दूसरी कहां बनेगी, सेकंड ऑर्डर कह लो या फर्स्ट ऑर्डर, वट एवर, तो एन की वैल्यू वन रख दो, तो डी लैम्डा बाय डी डिस्टेंस पर बनेगी, यानी कि यहां से डी लैम्डा बाय डी डिस्टेंस पर, ऐसे नीचे बनेगी डी लैम्डा बाय डी डिस्टेंस पर, क्लियर। ऐसे कोई से निकाल सकते हो, 11वीं 12वीं 15वीं 16वीं, बात समझ आई कि नहीं। तो दिस इज फॉर व्हाट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंजेस। तो सेंटर पे बनती है पहली ब्राइट फ्रिंज, मिटा दो उसको, ओके। अब देखो यही हम किसके लिए देखेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज, है ना, लाइट प्लस लाइट डार्कनेस, तो वो कहां होगा देखते हैं। तो फॉर डार्क फ्रिंज या कह लो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पिछली वाली से अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना, ठीक है, उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी है, तो डेल्टा एक्स इनके पाथ डिफरेंस फॉर डार्क कितना होता है, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से वैल्यू पुट करेंगे 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d,
That's it. Where n is equal to 1, 2, 3 and so on. तो बताओ first order minima, यानि कि पहली minima कहाँ बनेगी? First order minima. N की जगह 1 रख दो. तो y is equal to 2 into 1, that is 1, यानि कि d lambda by 2d distance पर पहली minima बनती है. d lambda by 2d. Okay? बात समझे? देखो, अब देखते हैं कि pattern किस तरह से बना होगा. ये center है, यहाँ पर कैसी बनी? Bright fringe. This is a ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, यहां पर चौकती हुई से ऐसी फ्रिंज बनी. फिर क्या बना? d लैम्डा बाय 2d, ये कितनी डिस्टेंस है? दिस वन. अभी ये, हाँ, हमें विड्थ नहीं पता ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? d लैम्डा बाय 2d. ऐसे नीचे भी कितनी हो गई? d लैम्डा बाय 2d. d लैम्डा बाय 2d डिस्टेंस पर ये क्या बन गई है? डार्क फ्रिंज, है ना. यहां तक तो ब्राइट है, यहां पर कौन सी फ्रिंज बन गई? डार्क. ऐसे यहां पर कौन सी बन गई? डार्क. नीचे फिर से ऐसे बनेगी, और फिर से दूसरे नंबर पे क्या बन जाएगी? ऐसे ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, है ना. तो ये डार्क है. फिर से ये, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से? d लैम्डा बाय d. क्लियर है ना. ऐसे यहां पर इस तरह से ऐसे फ्रिंजेस बनती चली जाती हैं, ऐसे नीचे को, ऐसे ऊपर को. क्लियर हो गई बात? तो दीज आर द फ्रिंजेस. इंटेंसिटी घटती बढ़ती रहती है, I बराबर I नॉट, 4I नॉट cos स्क्वायर 5 के हिसाब से. क्लियर हो गई बात? तो y इज इक्वल टू d लैम्डा बाय 2d, यानी कि यहां सेंटर है ये 0, यहां से d लैम्डा बाय 2d डिस्टेंस पर पहली डार्क बनती है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क. ठीक है, तो ऐसे d लैम्डा बाय 2d वगैरह भी हम दिखा सकते हैं अगर चाहें तो. क्लियर हो गई बात? तो ये है इंटेंसिटी कर्व, है ना, इसको इंटेंसिटी कर्व भी आप कह सकते हो. तो समझ में आया डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कहां बनती है? बहुत अच्छा. आप पूछे कि यार इसकी विड्थ कितनी होगी, है ना. कोई पूछे कि विड्थ बताओ, कितनी चौड़ी ये फ्रिंज बनेगी, व्हाट इज द विड्थ? तो विड्थ क्या होगी बताओ? देखो ध्यान से, ये पहली ब्राइट फ्रिंज बनी, फिर से ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज, बीच में डार्क है, दिस इज डार्क वन. तो मुझे इसकी विड्थ चाहिए, बताओ कैसे बताऊंगा मैं इसकी विड्थ? ध्यान से सोच के बताओ, इसकी विड्थ में कैसे बता सकता हूं? बहुत सिंपल है. ये कौन सी ब्राइट डार्क फ्रिंज बन रही है यहां पर? देखो, ये पहली डार्क, ये दूसरी डार्क, ये दूसरी डार्क बनी कि नहीं? तो सेंटर से दूसरी डार्क की डिस्टेंस, यानी कि वाई टू, है ना, माइनस सेंटर से पहली डार्क की डिस्टेंस वाई वन. ध्यान से सोचो, सेंटर से दूसरी डार्क की, डार्क बनी ना यहां पर, दूसरी डार्क की डिस्टेंस वाई टू, माइनस सेंटर से पहली डार्क की डिस्टेंस, यानी कि वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज. क्लियर है? तो दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस को घटा दो. ऐसे ही तुम चाहो तो वाई थ्री माइनस वाई टू कर सकते हो, है ना. तो विड्थ कैसे दी जाती है? ब्राइट की अगर बतानी हो तो, ब्राइट की बतानी हो तो क्या? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस. क्लियर होगी बात कि नहीं? दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस घटा दो. देखो, दूसरी यहां बनी डार्क फ्रिंज, पहली यहां बनी, तो वाई टू माइनस वाई वन आ गई ब्राइट की डिस्टेंस. ऐसे अगर तुम्हें डार्क की निकालने तो क्या करोगे? दिस इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, है ना, ये है विड्थ डार्क की. तो डार्क की निकालने क्या करोगे? दूसरी ब्राइट कहां बनी, यानी कि वाई टू, माइनस पहली ब्राइट कहां बनी, यानी कि वाई वन. तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस घटा दो. तो ऐसे ही अगर हमें डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे? टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस घटा देंगे. दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस घटा देंगे, है ना, डिफरेंस ऑफ टू, टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस. ठीक है, तो इसको डब्लू या ओमेगा से ऐसे लिख देते हैं. तो अगर मुझे किसी की भी निकालना, दोनों के बराबर आती है ना, तो बताओ डार्क की निकालना तो क्या करेंगे? वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, सही है, दो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब वाई थ्री माइनस वाई टू, वाई फाइव माइनस वाई फोर, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन. तो क्या आया था बताओ ब्राइट के लिए? वाई इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी. तो एन की जगह मैंने क्या रखा? एन प्लस वन d lambda by small d, minus n की जगह फिर से n रखा, d lambda by small d. तो cancel हुआ n से n, चलो उसको solve कर लेते हैं. n d lambda plus d lambda minus n d lambda upon small d, n d lambda से n d lambda cancel, तो y is equal to d lambda by small d. तो कितनी width बनती है? d lambda by small d. वो हमें वैसे भी पता लग रहा था, d lambda by small 2d, d lambda by small 2d. तो दोनों को add किया कितना हो गया? d lambda by small d. देखो, पहली डार्क कहां बनी थी? d लैम्डा बाय 2d पे. ऐसे नीचे को कितना कहां बनी थी? नीचे को d लैम्डा बाय 2d पे. तो ब्राइट फ्रिंज अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है या विड्थ निकालनी है, क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दो, d लैम्डा बाय 2d प्लस d लैम्डा बाय 2d, तो कितना आ गया? d लैम्डा बाय d. ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो.
क्लियर है बात। तो सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम रहती है, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो। ऐसे आप दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क ही घटाओगे तब भी डिस्टेंस कितनी आएगी, सिमिलरली डी लैम्डा बाय डी आई। क्लियर है। ऑब्वियसली बात है, विड्थ किन किन बातों पर डिपेंड करती है इसको ध्यान रखेंगे कि अगर स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस बढ़ाई जाए तो विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, विड्थ बढ़ जाएगी। घटाई जाए तो विड्थ घट जाएगी। ज्यादा ही घटाई जाए तो डी इतना कम हो जाएगा कि फिर कोई फ्रिंजेस ही ऑब्टेंड नहीं होंगी, है ना। लैम्डा कलर, है ना, अगर रेड कलर की जगह वायलेट कलर इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा विड्थ में, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की कम होती है, तो विड्थ कम हो जाएगी। स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस या डिस्टेंस द स्लिट्स, है ना, स्लिट के बीच के अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तो क्या होगा, तो आंसर क्या है, डब्ल्यू कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है बहुत कम रखी जाती है, जिससे हमें विड्थ जो है साफ साफ देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी आ सकता है कि अगर जो पूरा ये एपरेटस है ना, इसको एक लिक्विड में डुबो दिया जाए, लिक्विड में, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या फर्क पड़ेगा। हम जानते हैं कि लैम्डा पे फर्क पड़ेगा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, पता है ना, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो क्या होगा, विड्थ विल डिक्रीज म्यू टाइम्स, विड्थ विल डिक्रीज म्यू टाइम्स। क्लियर हो गई बात। तो जो विड्थ होगी वो क्या होगी, म्यू टाइम्स घट जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, बात समझे, तो ये म्यू टाइम्स जो है विड्थ घट जाती है अगर इसको एक लिक्विड में डुबो दिया जाए। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर व्हाइट लाइट इस्तेमाल की जाए तो क्या होगा सर, तो आंसर क्या है, कलर फ्रिंजेस बनती हैं। क्या आंसर है, कलर फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेंड, कलरफुल, फिर डार्क ब्राइट नहीं बनेगी, यहां पे रेड बनेगी, कहीं कुछ बनेगी, क्यों, क्योंकि यार सबके लैम्डा अलग अलग है, बात समझे ना। तो किस, देखो वाई क्या आया था ना, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, येलो की बात करो तो येलो का लैम्डा अलग है, तो मान लो यहां पर येलो बन गई, फिर रेड का अलग है, रेड का थोड़ा ज्यादा है तो रेड की थोड़ी दूर बनेगी तो ये रेड बन गई, बात समझे, फिर थोड़ा ग्रीन का थोड़ा कम है तो ग्रीन की यहां बन जाएगी, बात समझ आ रही कि नहीं। तो y बराबर एन डी लैम्डा बाय डी से क्या पता लगा रहे हैं कि कलरफुल फ्रिंजेस बनेंगी। लैम्डा देखो, लैम्डा सबका अलग अलग है, तो सबके अलग अलग डिस्टेंस पर फ्रिंजेस बनेंगी। अच्छा, बट जो सेंटर पर फ्रिंज होगी दैट विल रिमेन व्हाइट, वो व्हाइट ही रहेगी, क्यों, क्योंकि यार सेंटर पर तो सब आकर मिलेंगे ना, सेंटर पर क्या होगा, सब आकर के मिलेंगे, सेंटर पर रेड भी मिलेगी, सेंटर पर ग्रीन भी मिलेगी, सेंटर पर सब मिलेंगी, तो सब मिलेंगी तो तुम्हें पता है सारे कलर मिक्स हो गए क्या बन जाते हैं, व्हाइट बन जाते हैं ना। तो सेंटर वाली जो फ्रिंज रहेगी वो व्हाइट रहेगी, अदरवाइज उसके आसपास क्या रहेंगे, कलरफुल, उसमें भी रेड वाली दूर रहेगी, बिल्कुल रेनबो की तरह ना, रेड वाली दूर रहेगी, वायलेट वाली पास रहेगी सेंटर के, इस तरह से बनेगी। लैम्डा को देख लो, है ना, लैम्डा जिसका कम वो सेंटर के उतनी पास, जिसका लैम्डा ज्यादा वो सेंटर से उतनी दूर बनेगी। क्लियर हो गई कहानी है। तो व्हाइट कलर अगर इस्तेमाल किया जाए, व्हाइट लाइट, तो कलरफुल फ्रिंजेस बनती है और सेंटर वाली फ्रिंज व्हाइट रहती है। ओके, फिर पूछा जाता है कि इनका शेप क्या होता है, जो फ्रिंज बनती है ये कैसी बनती है। तो बच्चों, ये जो फ्रिंजेस बनती है ना, ये हाइपरबॉलिक बनती है, जैसे स्क्रीन है ना, सेंटर वाली तो रेक्टेंगुलर बनती है, सेंटर वाली कैसी बनती है, लाइन जैसी कह लो या रेक्टेंगुलर कह लो, जो सेंटर वाली होती है, लेकिन उसके अलावा जो फ्रिंजेस होती हैं वो कैसी बनती हैं, वो ऐसी हाइपरबोलिक बनती हैं, ठीक है। तो एक फैक्ट याद रख लेना, मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से ऐसी हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनती हैं। क्लियर, सेंटर वाली कैसी रहती है, एक लाइन, और बाकी कैसी रहती हैं, हाइपरबोलिक। ओके, तो ये था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विड्थ तक पूछा जा सकता है इसमें कि कहाँ कौन सी बनती है, वाई की डिस्टेंस बताओ, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, उसमें न्यूमेरिकल लगाते हैं कुछ प्यारे प्यारे। ओके, ठीक है, बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन वाई एस डी ई, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टू स्लिट्स आर यंग्स, अच्छा वाई एस, टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.1 mm, स्लिट्स आर सेपरेटेड, तो स्मॉल डी देखा है 0.1 mm, ओके, एंड दे आर 0.5 meter फ्रॉम द स्क्रीन, तो कैपिटल डी देखा है 0.5 meter, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा दे रखा है एंड दैट इज 5000 angstrom, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेवेंथ मैक्सिमम, तो इसको मैं कैपिटल वाइज लिखता हूँ ना, मैक्सिमा को सेवेंथ कैपिटल वाइज ले देता हूं, ये वाई सेवन, एंड द इलेवेंथ मिनिमा, तो इलेवेंथ मिनिमा, मिनिमा को मैं स्मॉल वाइज ले देता हूं, यानी कि वाई इलेवन, तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन सेवेंथ मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज एंड द इलेवेंथ मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंज, ठीक है, पैटर्न फ्रिंज व्हाटएवर जो तुम कहना चाहो, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इजी वन है ना, वैल्यू रखनी है सिर्फ फॉर्मूले में,
तो बताओ पहले इसको कन्वर्ट कर लो ना, 0.1 × 10⁻³ meter। अच्छा भाई साहब ये तो सही है, 0.5 meter है, ये 5 × 10⁻¹⁰ (-10 + 3 - 7) बचेगा ना मीटर। ओके तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो बताओ y, स्मॉल y का मतलब क्या है, डार्क फील्ड। तो डार्क फील्ड के पहले लिख दो, डार्क के लिए, डार्क के लिए बताओ कितना होता है, 2n - 1 d λ/2d, याद आ गया। और ब्राइट के लिए कितना होता है, n d λ/d, ठीक है। ये कहां कहां बनती हैं, तो ये हमें y11, तो यहां पर 11 रख दो, y11 माइनस कैपिटल y7 है ना, ये ब्राइट के लिए मैं कैपिटल y यूज कर रहा हूं, ठीक है। इजी है ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 11 तो 11 रखो, 11 टू जा 22 माइनस यानी 21 d लैम्डा कॉमन ले सकते हो, पहले लिख दो यार, इसे लिख दो 2 21 d λ/2d माइनस n की जगह यहां पर कितना रहेगा 7, है ना, 7 मैक्सिमम बाय स्मॉल डी, तो कॉमन ले लो d लैम्डा बाय d, कितना बचा 21/2 - 7/1। वैल्यू कैंसिल निकाल लोगे, कैपिटल d की वैल्यू रख देना, लैम्डा रख देना, स्मॉल d रख देना, और ये सारी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना, मीटर्स में आ जाएगा, सही है ना, इजी वन। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा। ओके बता दूं, कर लोगे ना, कैलकुलेशन का ही काम है यार, इतना तो कर सकते हो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, अब पढ़ के बता रहा हूँ, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स का बता दूंगा, तो ध्यान देना है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हैं उसको चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन वाई डी एस ई इज आई नॉट, यानी कि आई मैक्स कितना दे रखा है, आई नॉट, तो आई मैक्स कितना होता है, 4i0 होता है ना, तो इसको I नॉट के बराबर दे रखा है, तो उसको डैश मान लो, है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी याद आ गया ना, 4i0 होता है। अरे यार बड़ी जल्दी भूल जाता है यार, आई मैक्स दैट इज 4i0 और आई मिनिमम कितना था, 0, ठीक है। ओके तो 4i- की जगह में रखना है i0, सही है। फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर, पहला पार्ट दे रखा है, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग बीम्स इज π/3, ये phi की वैल्यू दे रखी है π/3। ओके तो फाइंड द इंटेंसिटी, तो इजी वन, इंटेंसिटी तुम्हें बताया क्या होती है, 4i0, i0 की जगह मैंने i0- लिख दिया, जो कि i0 के बराबर है मैक्सिमम इंटेंसिटी, इनटू cos स्क्वायर π/2, याद आ गया, ठीक है। तो i बताना है, 4i0 की जगह क्या लिख दो, i0 लिख दो, cos स्क्वायर phi की वैल्यू कितनी है, π/6 हो जाएगा ना, π/3 × 2, तो यार i0 cos π/6 का √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 3/4, यानी कि 3i0/4, 75% बचेगी। ओके मेन सोर्स की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ समझने वाली बात थी कि आई मैक्स आई नॉट के बराबर रखना है। ओके बी पार्ट भी है सर इसका, बी पार्ट क्या था, पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज लैम्डा, वो लैम्डा बाय 4, तो डेल्टा एक्स रखा है लैम्डा बाय 4, उसमें भी कोई टेंशन नहीं, बिकॉज वी नो द रिलेशन, है ना, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि phi इज इक्वल टू 2π/λ कैपिटल K इंटू डेल्टा एक्स, तो 2π/λ और डेल्टा एक्स की मैंने रखा लैम्डा बाय 4, तो ये आ गया π/2, निकाल लो फिर से, तो i इज इक्वल टू 4i0, जिसकी जगह पे उसने कह रखा है भैया i0 ही है मैक्सिमम, cos स्क्वायर π/2, यानी कि π/2 / 2, यानी कि π/4, और ये होता है 1/√2, का स्क्वायर का तो 1/√2, तो आधी मिलेगी, i इज इक्वल टू i0/2, क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं उसमें, बोलो जल्दी से, नोट करो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इसमें आई नॉट रखना था और कुछ नहीं। चलो सर क्वेश्चन नंबर 3, एक रैपिड फिरी। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया भाई, कहा गया कहा, ये रहा, व्हाइट लाइट इज यूज टू इल्यूमिनेट टू स्लिट्स, इसको समझना, ये जेई 1984 में आया हुआ, व्हाइट लाइट इज यूज टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स, ओके, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज बी, यानी कि जो स्मॉल डी है मानते हो बी दे रखा भाई ने, कोई दिक्कत नहीं, एंड द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल डी, मतलब जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी दे रखा है, ओके, फ्रॉम द स्लिट्स एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, ध्यान से सुनना इस बात को, एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, तो मान लो ये स्लिट्स हैं इस तरह से, तो एट ए पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट, यहां तो ये डिस्टेंस अगर बी है तो यार ये कितनी होगी सेंटर से, बी बाई टू,
डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लेट, एक पॉइंट है स्क्रीन पर जो डायरेक्टली एक स्लेट के सामने है, दैट इज इनके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है उसकी, b by 2, जो y का काम करेगी, इनके y is equal to b by 2. ओके, समझे ना यहां तक? सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग, कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, मिसिंग का मतलब डार्क फ्रिंज बन रही है, मिसिंग का मतलब ये तो हुआ डार्क फ्रिंज बन रही है. तो सम ऑफ दीज मिसिंग वेवलेंथ्स आर, तो कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है, पहला मिसिंग का मतलब समझ गया, डार्क फ्रिंज, बी स्क्वायर बाई डी, बी पार्ट 2b square by d, some wavelengths are missing. Missing मतलब dark fringe बन रही है, तभी तो miss हो रही हूँ. 2b square by 3d, मतलब अगर ये वाली wavelength वहाँ डालोगे तो नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी मतलब क्या बनेगी इनके लिए, dark fringe बनेगी. ठीक है, तो यार y और path difference में relation वो सब नॉटिक में पता है, तो बताओ y कितना में बताया था, y is equal to d delta x upon small d, याद आया क्या, y is equal to d delta x upon small d. तो delta x पहले हम निकालते हैं यहां से, पार्ट डिफरेंस, और y कितना हुआ, that is b by 2. कैपिटल d कितना है, स्मॉल d के बराबर, delta x हमें पता नहीं, पार्ट डिफरेंस निकालना है, स्मॉल d कितना, b, स्मॉल d कितना, b. तो यार delta x कितना हुआ बच्चों, b square by 2d, b square by 2d, got it. अब ये क्या कह रहा है कि यार वेवलेंथ मिसिंग रहे, मिसिंग रहेगा मतलब क्या बने कि पाथ रेफरेंस किसके लिए लेना है, डार्क फ्रिंज के लिए, तो फॉर डार्क फ्रिंज. मिसिंग का मतलब ये तो हुआ कि बन दिखे ही ना हो, और दिखे कब ना, जब डार्क फ्रिंज बने, तो वेवलेंथ मिसिंग कौन सी रहेगी, तो पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 रख दो, तो बी स्क्वायर बाई 2d इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कटा, तो लैम्डा की वैल्यू पूछिए कि लैम्डा की वैल्यू बताओ, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो बोलो, बी स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2n माइनस 1. ठीक है, तो पहली फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 हमने लिखा, तो लैम्डा कितना आया, बी स्क्वायर बाय डी. ठीक है ना, अरे यार n की जगह 1 रखो तो लैम्डा कितना आ गया, बी स्क्वायर बाय डी. एक तो ये मिसिंग है, बी स्क्वायर बाय डी, और भी है क्या कुछ, n की जगह 2 रख दो तो लैम्डा कितना आया, फॉर n इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, तो यानी कि बी स्क्वायर बाय 3d, ये वाली भी मिसिंग होगी, बी स्क्वायर बाय 3d, बी स्क्वायर बाय b square by 3d. ठीक है, तो ऐसी दो वेवलेंथ, अगर n की जगह 3 रखोगे तो 5 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, बात समझे ना. तो ये डार्क फ्रिंज के लिए बेसिकली हमें निकालना था, समझ आ गया ना, क्या करा वो कुछ नहीं करा, पाथ डिफरेंस निकाला, y is equal to d delta x upon small d, और हमने क्या करा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू रख दी, किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, तो ये हमारे पास लैम्डास की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर बाई डी एंड बी स्क्वायर बाय 3d, इस ऑप्शन में ये दो ही है, क्लियर है ना, नोट कर लो उसको. ओके, मिटा दे क्वेश्चन नंबर 4. अरे यार ये बाजे कहाँ बज रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. बाइक्रोमेटिक लाइट, बाइक्रोमेटिक मतलब दो कलर की है ना, इज यूज्ड इन YDSE. अच्छा YDSE था वो, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब ठीक है, मैंने YSD लिख दिया था पिछली बार. हैविंग वेवलेंथ्स, तो एक की वेवलेंथ लैम्डा वन रखिए 400 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, लैम्डा टू दे रखी है बच्चों 700 मतलब दो कलर की लाइट यूज करी गई है, एक स्लेट से इतनी डाली, एक स्लेट से इतनी डाली. अच्छा, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा वन विच ओवरलैप्स विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा टू. मतलब समझ में आया कि लैम्डा वन की जो ब्राइट फ्रिंज बनी वो लैम्डा टू के साथ क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है. ऐसे नंबर निकालने हैं, नंबर मतलब n की वैल्यूज के कहां कहां कर रही है. तो मान लो इसकी n1 फ्रिंजेस किसकी, लैम्डा 1 की, लैम्डा 2 की n2 फ्रिंजेस के साथ ओवरलैप कर रही है. मतलब फॉर एग्जांपल के ध्यान से बात सुनना, लैम्डा 1 की पांचवी फ्रिंज यहां बनी, लैम्डा 1 की कौन सी फ्रिंज यहां बनी, पांचवी, तो लैम्डा 2 की कौन सी फ्रिंज यहां बनी, तीसरी. क्यों बनी, यार इसकी वेवलेंथ ज्यादा है. ठीक है ना, और हमें पता है कि w is equal to d लैम्डा by d, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो दूर बनेगी, तो ये छोटी छोटी पांच बन गई होगी यहां, तो बड़ी वाली की सिर्फ तीसरी बनी होगी, है ना. तो इसलिए मैंने क्या कहा कि मान लो लैम्डा वन की n1 फ्रिंज, लैम्डा वन की मान लो n1th फ्रिंज है, n1 पांचवी फ्रिंज है. ठीक है,
जो लैम्डा 2 की N2 फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रही है, किसके साथ? N2 फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रही है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर यानी मिनिमम N1 और N2 की वैल्यूज, हमें मिनिमम पूछा ना या मैक्सिमम? मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम क्यों पूछेगा? ठीक है, तो मिनिमम वैल्यूज हमें बतानी है, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्राइट फ्रिंज की बात करिए कि ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करें, तो इसके लिए ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला लगाओ, याद करो एन डी लैम्डा बाय डी, तो एन वन डी वन ये तो बदला नहीं ना, एन टू डी नहीं बदला, लैम्डा टू बाय स्मॉल डी, डी से डी, कैपिटल डी से कैपिटल डी, तो एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, वैल्यूज पुट कर दो, तो एन वन अपॉन एन टू कितना है? लैम्डा टू 700, यानी कि 7 अपॉन 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 4, तो मिनिमम n1 की वैल्यू कितनी हो सकती है? 7, और n2 की कितनी हो सकती है? 4, यानी कि अगर इसकी यहां पहली वाली की यानी कि 400 वाली की सातवीं फ्रिंज बनी, तो दूसरी वाली की कौन सी बनी है यहां? चौथी, जो क्या आपस में क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, तो n1 is equal to 7, n2 is equal to 4, और भी देख सकते हो इसको 2 से इंटू कर दो, 14 अपॉन 8, ये आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि दूसरे वाले की पहले वाले की 14th फ्रिंज दूसरे वाले की 8th फ्रिंज से ओवरलैप कर रही है, क्लियर हुई बात? ऐसे और भी निकाल सकते हो, कितना? 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, यानी कि इसकी 21th फ्रिंज पहले वाले की 21 फ्रिंज बनी और दूसरे वाले की वहां कौन सी बनी? 12वीं, वो आपस में क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, तो इस तरह से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। तो मिनिमम तो ये है कि इसकी सातवीं फ्रिंज जो है पहले वाले की ओवरलैप। बच्चों एक अंतिम प्रश्न और देख लो इससे रिलेटेड YSDE से आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा शायद, पता नहीं कौन सा, 5 लिख रहा हूँ मैं। इन YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बाइक्रोमेटिक लाइट, फिर से दो कलर की लाइट है, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 दैट इज 400 नैनोमीटर्स एंड लैम्डा 2 दैट इज 560 नैनोमीटर्स, ओके, आर यूज्ड, सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इनके स्मॉल डी दैट इज 0.1 mm, ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड द स्क्रीन दैट इज कैपिटल डी विच इज 1 meter, ओके। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव रीजियंस ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, ये लाइन लिख देता हूं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, इसका क्या मतलब हुआ इस बात का? मिनिमम डिस्टेंस तो ठीक है, चलो डिस्टेंस निकाल लेंगे, बिटवीन द टू सक्सेसिव रीजन्स, सॉरी सक्सेसिव रीजन्स ऑफ द कंप्लीट डार्कनेस, मतलब जहां पूरी तरह डार्कनेस हो, ऐसी दो सक्सेसिव रीजन के बीच की डिस्टेंस बतानी है, मतलब समझ में आ गया होगा कि इसकी मिनिमा इसके साथ ओवरलैप कर रही हो तो क्या बन जाएगा वो रीजन? कंप्लीट डार्कनेस, है ना, एक जगह मान लो यहां कर रही है, एक जगह मान लो यहां पर कहीं कर रही है पहली बार, तो ये भी क्या रीजन है? दिस इज द रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, तो ये तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव, मतलब पहली बार जहां ओवरलैप किया उसे जस्ट अगली बार जहां ओवरलैप किया, किसने ओवरलैप किया? डार्कनेस मतलब मिनिमा, तो दो सक्सेसिव जहां ओवरलैप हो रही है मिनिमा उनके बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो यानी कि दो मान लो कि इसकी nth जैसे पिछली बार ब्राइट के लिए किया था, इस बार डार्क के लिए करना है बस, इसकी n1 मिनिमा इसकी n2 मिनिमा के साथ ओवरलैप करती है, ठीक है, तो बताओ मिनिमा का फॉर्मूला वाई एन वन बराबर वाई एन टू, मिनिमा का याद है 2n-1 इंटू डी अपॉन डी लैम्डा 1 अपॉन 2d, ऐसे यहां पर 2n2-1 डी लैम्डा 2 अपॉन 2d, 2d से 2d कैंसिल, d से d कैंसिल, सही बात, तो 2n-1 अपॉन में ले आओ उसको 2n2-1 दैट इज लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 2 कितना है? लैम्डा 2 इज 560 और लैम्डा 1 इज 400, काट कूट लो उसको, 4 × 4 = 16, 7/5, लेकिन ये n1 रेशियो n2 नहीं आया, चेक करते हैं, तो इसमें बात को ध्यान से समझना, अगर हम 2n1-1 को 7 रख दें
तो यहां से n1 कितना आएगा, 8 अपॉन 2 यानी कि 4, विच इज अ वैलिड आंसर, है ना। n1 की वैल्यू, n1 एक इंटीजर होता है तो 4 हो सकती है, यानी कि ये बात सही लग रही है। n2 को चेक करते हैं, 2n2 माइनस 1 अगर हम 5 रख दें तो n2 इज 6 अपॉन 2 यानी कि 3। बहुत बढ़िया, यानी कि पहले वाले की फोर्थ मिनिमा दूसरे वाले की थर्ड मिनिमा के साथ ओवरलैप करती है, तो ये पहली कंडीशन तो सही हो गई, है ना। फिर से ऐसे पिछली बार किया था, रेशियो और भी तो बढ़ा सकते हैं उसको हम आगे, क्या कर सकते हैं, 2 से इंटू कर दो 14 अपॉन 10, 3 से कर दो 21 अपॉन 15, है ना, ये कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या 14 रख के एक वैलिड आंसर आता है क्या। तो इफ 2n माइनस 1 को अगर हम 14 रख दें तो n1 कितना है, 15 अपॉन 2, दैट इज 7.5, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना यार। 7.5 मिनिमम थोड़ी होगी, 7वीं होगी कि 8वीं होगी, यानी कि ये वाला रेशियो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, 7.5 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यानी कि फोर्थ तो थर्ड के साथ ओवरलैप कर रही है बट ये वाला रेशियो नहीं। चलो तीसरा रख के देते हैं, देखते हैं, इफ 2n1 माइनस 1 इज इक्वल टू 21, तो 2n1 इज इक्वल टू 22, तो n1 इज इक्वल टू 11, यस दिस इज एक्सेप्टेबल, है ना। इसी तरह से 2n2 माइनस 1 उसको कितना रख के देखें, 15, तो n2 कितना है, 16 अपॉन 2, 8th, यानी कि 8, ये भी सही है। तो ये दो एक्सेप्टेबल है। तो पहली बार कौन कौन सी मिल रही है, इसकी फोर्थ, पहले वाले की फोर्थ मिनिमा दूसरे की थर्ड के साथ ओवरलैप कर रही है, फोर्थ और थर्ड, यानी कि ये बीच में कुछ नहीं है, 7.5 कुछ नहीं होता, तो ये कोई रेशियो एक्सेप्टेबल नहीं था। हाँ, फिर पहले वाले की इलेवेंथ दूसरे वाले की 8th के साथ ओवरलैप कर रही है, किसके साथ, 8th के साथ, ये बात समझ आई कि पहले वाले की 11th दूसरे वाले की 8th के साथ, तो ये सक्सेसिव कौन सी हुई, फोर्थ और 11th, कौन सी हुई, फोर्थ और 11th, या दूसरे वाले की कह लो तो थर्ड और 8th, इनके बीच के हमें डिस्टेंस बनानी है, यानी कि पहले वाले की फोर्थ मिनिमा और 11th मिनिमा के बीच की डिस्टेंस बनानी, डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव डार्कनेस रीजन, तो ये तो है सक्सेसिव डार्कनेस, है ना। एक बार 4 और 3 मिली पहली बार, फिर 11th और 8th मिली दूसरी बार, बीच में कुछ नहीं मिला क्योंकि ये रेशियो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इतना ध्यान रखेंगे ना। तो अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं y2 माइनस y1, मतलब y11 माइनस y4, इसको मिटा दो, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। तो ये हम डिस्टेंस ऐसे बता सकते हैं, पहले वाले से कर लो चाहे दूसरे वाले से, पहले वाले में क्या है 4 और 11 है, दूसरे वाले में 3 और 8 है, है ना, लैम्डा 2 लोगे तो वो तुम्हारी इच्छा है, दोनों से एक आंसर आएगा। तो y इज इक्वल टू 2, या पहले मैं ऐसे लिख दूं y11 माइनस y4, है ना, एक बार 11th कर रही है एक बार 4, तो सक्सेसिव डिस्टेंस निकालनी है तो y11 माइनस y4, यही तो आ जाएगी। बहुत अच्छे, तो पहले वाले के लिए कर रहे हैं हम लैम्डा 1 ये रख के चलेंगे, तो कितना होता है 2n1 विच इज 11 माइनस 1 अब डी लैम्डा, कैपिटल डी कितना था, 1 मीटर, तो 1 मीटर था ना, एक बार चेक कर लो फटाफट, जितना भी था यार रख लेना, मैंने मिटा दिया वो। ओहो, कहाँ गया रे, कहाँ गया, जल्दी से मैं कहाँ भाग गया, अरे छोड़ू, यस इट वॉज 1 मीटर, सॉरी 2, पहले फॉर्मूला लिख दूंगा वाई का, बोलना बहुत बीमारी तुम्हारी, उधर लिखा हुआ भी 2n-1 d lambda upon 2d, ठीक है, तो 2 × 11 - 1 capital D is 1 और 2 small d is 0.1 mm, that is 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अगला बताओ 2n यानी कि 2 × कौन सी थी, फोर्थ, माइनस 1 d लैम्डा, तो मैंने लिखा ही नहीं, इधर बिठा दें लैम्डा, चलो बाहर लिख देते हैं ना, कॉमन लेके, है ना, डी लैम्डा, लैम्डा भी तो आ रहा है, तो लैम्डा में यहाँ लिख दे रहा हूँ 400, पहले वाले की बात चल रही है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो अपॉन 2 × d, ओके, सो दिस इज 22 - 1, दैट इज 21, माइनस 2 × 4 = 8, माइनस 1, दैट इज 7, अपॉन 2 × ये 10^-4 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई 4 × 10^-9 नैनोमीटर थी, ओके 7, गॉट इट, 2 × 4 22, कितने बचा 11 में से, शायद गया 4, 14 × 2 और 10^-3, है ना, साथ में 4 का कितना बचा 3, यानी कि 28 × 10^-3 मीटर, या कह लोगे 28 mm, मिलीमीटर, ठीक है, यहां से भी निकालोगे दूसरी वाली से तो लैम्डा 2 से तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन लैम्डा 2 की कौन कौन सी है,
3 और 8, तो y8 माइनस y3 करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, और करके देखना उसको। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।